पीछे को नहीं देखते जाते जाते बस, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी खाने के लिए बैठा, पानी पीने के लिए कुछ ले ला रहे हैं, तभी देखता हूँ। कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ भाई साहब जो कदम जो है, हर एक कदम एक एक कदम मैं उल्टा ही चलूंगा, सीधा कभी नहीं चलूंगा, एक कसम खाई है। मैं 22/1/2024 को तुलजापुर तुलजा भवानी माता का दर्शन लेकर शुरू किया है। मैं दिन गिनता नहीं हूँ, समय गिनता नहीं हूँ, कितना किलोमीटर होगा यही नहीं गिनता। जब आखिरी दिन होगा, आखिरी सरब मेरा सब काम पूरा हो जाएगा, तब किसी को पूछूंगा कि कितने दिन हो गए। आपकी यात्रा कहाँ पर जाकर खत्म होगी? मेरी यात्रा माँ वैष्णो माता के चरणों में जाकर खत्म हो जाएगी, और वैष्णो माता के चरण से उल्टे फिर जब तक मैं कटरा के एरिया में गड्डी में नहीं बैठता वहाँ तक गड्डी में बैठूंगा सीधा, तब तक मैं गड्डी पकड़ूंगा तब तक उल्टा ही चलूंगा। खाने पीने का मैं फोन पे गूगल पे मेरे लड़के से मांगता है, कुछ लोग सहकार्य करते हैं, अगर ना करते तो उसी टाइम मेरे को खाना पीना करना जरूरी है समय पर। रहते कहाँ पर हो सफर करते हुए? रहने का समय टाइमिंग कोई नहीं, वो ठिकाना भी फिक्स नहीं है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं बापूरा कुंड रहने वाला प्रसंगी पुणे। मैं तुलजापुर से तुलजापुर भवानी का हमारे कुलदेवी का दर्शन लेकर 22/1/2024 को उल्टे पर निकला हूँ, और मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर अर्चन करके माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और बाकी मान्यवरों को निवेदन दिया है, और उसके बाद मैं जम्मू कटक लिए माता जगत जननी वैष्णो माता को प्रार्थना करने जा रहा हूँ। संबंध मानव जाति के कल्याण के लिए मेरा प्रयास है, और संबंध मानव जाति को सुखी समाधानी आनंदी रखने के लिए कृपा करें ऐसी दुआ मांग रहा हूँ मैं। और उसी इसी ऐसे ही भक्ति करते करते मैं देशभक्ति भी करता हूँ, 100% वोटिंग के लिए काम भी करता हूँ, और लोगों को कहता हूँ कि जब जब आपके पास इलेक्शन हो जाएगा तब तब आप वोटिंग जरूर कीजिए। व्हाट इज वोटर पावर, व्हाट इज वोटर वॉइस, आज का भाग्य तथा जागरूक मतदाता, मराठी में बोलूँगा मतदा राजा जागा हो, लोकशाही सा जागा हो। और दूसरे एक महत्वपूर्ण भाव है, रोड पर होने वाले एक्सीडेंट, महायुद्ध में भी इतने लोग मरे नहीं, उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं आपका एक्सीडेंट से और अपंग हो रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, दुख की बात है। इसलिए मैं गले में छेटरी लेकर लोगों को इशारा करता हूँ, संदेश देता हूँ, और इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा अध्ययन चालू है। अगर सरकार ने मेरी दखल दी तो भारत में के होने वाले एक्सीडेंट जो है 50% से भी कम करूँगा मैं, ये मेरा गारंटी है। और दूसरी है ये मानवता के कल्याण की बात, उस पर भी मेरा बहुत बड़ा अध्ययन चालू है। इसलिए पूरे जगत को अभिमान होगा कि मैं एक सिंपल आदमी ने क्या क्या कर दिया मानव जाति के लिए, इतनी बड़ी उत्क्रांति मैं कर दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। पत्रकार मुझे अभिमान है ऐसे लोगों पर कि जैसे ऐसे एरिया में आकर मेरा संदेश ले रहा है, एक सामान्य आदमी का संदेश ले रहा है, जो कि देश के लिए जगत के लिए बहुत कल्याणकारी होने वाला है। और माननीय राष्ट्रपति महोदय को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे दार्शी पत्रकार और महत्वपूर्ण जो नियोजन लेने वाले पत्रकार है, जो द्वेष भाव तिरस्कार मतभेद ना करके, वशीलाबाजी ना करके हमारे जैसे आदमी का संदेश दे रहे हैं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूसरे एक महत्वपूर्ण भाव है, कौवा भी अपना पेट भरने के बाद काव काव करके अपने बांदरों को खाने के लिए बुलाता है। हम तो मानव है, एक दूसरे को सहकार्य करना जरूरी है, मानवीय जीवन अनमोल है, मातिमोल मत करो। और सबसे बड़ी बात है द्वेष तिरस्कार मतभेद ना करो, ना करो, ना करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आप ऐसे ही जा रहे हो पिछली, आप पीछे को नहीं देखते जाते जाते कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी खाने के लिए बैठा, पानी पीने के लिए कुछ ले ला रहे हैं, तभी देखता हूँ। कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ भाई साहब जो कदम जो है, हर एक कदम एक एक कदम मैं उल्टा ही चलूंगा, सीधा कभी नहीं चलूंगा, एक कसम खाई है और ये मैं कसम पूरी करता हूँ। कितना समय हो गया घर से निकले हुए आपको? मैं 22/1/2024 को तुलजापुर तुलजा भवानी माता का दर्शन लेकर शुरू किया है। मैं दिन गिनता नहीं हूँ, समय गिनता नहीं हो, कितना किलोमीटर होगा यही नहीं गिनता। जब आखिरी दिन होगा, आखिरी सरब मेरा सब काम पूरा हो जाएगा, तब किसी को पूछूंगा कि कितने दिन हो गए। आपकी यात्रा कहाँ पर जाकर खत्म होगी? मेरी यात्रा माँ वैष्णो माता के चरणों में जाकर खत्म हो जाएगी, और वैष्णो माता के चरण से उल्टे फिर जब तक मैं कटरा के एरिया में गड्डी में नहीं बैठता वहाँ तक गड्डी में बैठूंगा सीधा, तब तक मैं गड्डी पकड़ूंगा तब तक उल्टा ही चलूंगा। खाने पीने का कैसे होता है जो खाने पीने का कैसे? खाने पीने का मैं फोन पे गूगल पे मेरे लड़के से मांगता है,
कुछ लोग सहकार्य करते है, अगर ना करते तो उसी टाइम मेरे को खाना पीना करना जरूरी है समय पर। रहते कहाँ पर हो सफर करते हुए? रहने का समय टाइमिंग कोई नहीं और ठिकाना भी फिक्स नहीं है जी। तो लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों को यही कहता हूँ कि आप सिर्फ कहने के लिए ना कहे, हम सब एक है, हम सब भारतीय बांधव है, तुम्हारी बंधुता तुम्हारी एकता एक दूसरे को सहकार्य मदद करने में लगनी चाहिए, काम आनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी बंधुता एकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और सभी मेरा राजकीय पक्ष को मेरा रिक्वेस्ट है कि राजकारण करो, पॉलिटिक्स करो। और सबसे बड़ी बात है कि जब वोटिंग खत्म होता है उसके बाद में द्वेष भाव तिरस्कार मतभेद बंद करो। ये द्वेष भाव बढ़ता जा रहा है, तुम इस पार्टी का तुम उस पार्टी का, ये झगड़ा कर गाली गलौज ऐसा होने मत दे दो। ये अपने राष्ट्रीय के लिए एकता के लिए बहुत डेंजर है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ एक प्रेम से इलेक्शन लड़ो। और इलेक्शन लड़ खत्म होना है होने के बाद सब ये कहे एकता दिखाओ, बंधुता दिखाओ। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन तुम सही चलो, सही तरह से रहो, अपनापन जगाओ, मानवता जगाओ, बंधुता जगाओ। इसलिए मैं उल्टा चलकर लोगों को सही संदेश दे रहा हूँ।